मेरा नाम बबीता। आ गए कुछ खास घरेलू और किचन टिप्स लेकर। आइए वीडियो को शुरू कर लेते। सबसे पहले टिप्स है मेरी इस तरीके के फॉर्म को लेकर। ये बुकरम है जो सूट सलवार बनाते हैं ना, तो उसके बॉटम में जो नीचे लगता है सलवार के पाँचों में, ये बुकरम है। ये काफ़ी मोटा होता है तो इसीलिए मैंने ये लिया है। और इसका मैं क्या करने वाली वो आपको बताती हूँ। अगर आपके पास ये ना हो तो आप फॉर्म ले लीजिएगा, जो सूट वगैरह के फॉर्म आते हैं ना आप वो ले लीजिएगा। तो इसका मैं बहुत ही बेस्ट उपयोग आपको बताने वाली हूँ। इस बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तभी। तो यहाँ पर इसी के बराबर चाहे आप इस फोम का टुकड़ा काट सकते हैं या फिर ये बुकरम है ये मैंने लिया हुआ है यहाँ पर। तो अब मैं इसमें टेप लगा रही हूँ, इसके चारों कोनों में मुझे लगानी है टेप। और फिर उसका मैं क्या करूँगी, कहाँ इसे लगाने वाली हूँ वो सब आपको जब पता चलेगा ना तो आपका मन खुश हो जाएगा, एकदम खुश हो जाएगा कि हाँ वाकई में टिप्स छोटी है लेकिन काफ़ी ज़्यादा काम की है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ऐसी छोटी छोटी टिप्स मैं लेकर आती हूँ फ्रेंड। इस ज्ञान को जितना बांटो उतना बढ़ता है। अगर हमें छोटी सी चीज़ कोई ऐसी पता होती है जिससे दूसरों का भला हो, दूसरों का फ़ायदा हो, तो उस चीज़ को शेयर कर लेनी चाहिए, चाहे वो कैसी भी बातें हों। तो यहाँ पर देखिए मैंने बनाकर तैयार कर दिया है। एक मैं प्रोटेक्टर बना रही हूँ ये, और ये देखिए दरवाज़ा होता है ना, दरवाजे के पीछे जो कुंडी होती है ये दरवाजे का लॉक होता है, तो जब ये दीवार से लगता है दीवार में स्क्रैच पड़ जाते हैं, है ना, आपने भी गौर किया होगा तो दीवार में ना स्क्रैच पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर गेट के पीछे टाइल्स लगी हुई है तो यहाँ पर ये स्क्रैचेस में नहीं पड़े हैं। लेकिन जिनके टाइल्स वगैरह नहीं लगी रहती हैं तो वहाँ पर देखा होगा ये कुंदे से ना दीवार में जो ना दीवार टूट भी जाती है और निशान पड़ जाते हैं। तो आप इस तरीके से कुंदे के पास में दीवार के ऊपर यानी कि इसे आराम से लगा सकते हैं, फिर आपकी दीवार हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगी, कोई निशान नहीं पड़ेगा दीवार पर। इसके अगली टिप्स है, इस तरीके की वायर कभी कभी हमें यूज करनी होती हैं और उसका जो हमें तार निकालना होता है ना अंदर से, तो हम क्या करते हैं दांतों से काटते हैं इसे डोरी को, जो डोरी होती है लाइट वाली, तो आपको मुंह में देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब डोरी को आपको क्या करना है, स्टेपलर ले लेना है, इसमें से पिन निकाल देनी है, इसमें पिन नहीं होनी चाहिए। और आप इस तरीके से इसे दबाइएगा तो इसके आराम से वायर जो अंदर वाले होते हैं ये, तो ये निकल जाते हैं आराम से, आपको इसे दांतों से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, आराम से इजीली इससे निकल जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर ये निकाल के आपको दिखा दिए हैं। फिर आप जिस चीज़ में भी इसे यूज़ करना चाहते हो डोरी को आप आराम से यूज कीजिएगा। और देखिए आराम से ये बिल्कुल तार, इस तारों से डोरी अलग हो चुकी है, जो डोरी है ना प्लास्टिक है इसकी अलग हट चुकी है और इसमें से जो तार हैं वो आराम से निकल गए हैं। फिर आप इसे आराम से यूज कर सकते हो। इसके अगले टिप्स हैं फ्रेंड, इस तरीके की जो डिब्बी होती है ना हमारे मेकअप की, तो खाली हो जाती हैं और हमें क्या करते हैं फेंक ही देते हैं इनका। लेकिन आज मैं आपको इसका बेस्ट उपयोग बताने वाली हूँ। ये देखिएगा वैसलीन की इससे भी बड़ी बड़ी डिब्बी होती है ना, तो उसका भी यूज कर सकते हैं और इनका भी यूज कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन आज मैं ये जो क्रीम की डिब्बी है ना इसका यूज मिक्सी के साथ करने वाली हूँ और आपका मन देखकर खुश हो जाएगा। ये जो मैंने इधर जो ले रखा है ना रोज वाटर जो है गुलाब जल की शीशी है, बड़ी बड़ी शीशियाँ होती हैं तो उसका जो बड़ा सा ढक्कन होता है ना, तो उसका भी हम इस्तेमाल मिक्सी के साथ कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरे पास एक क्रीम की डिब्बी है, छोटी वाली 10 रुपए वाली डिब्बी आती है मार्केट में, क्रीम होती है इसमें मुंह पे लगाने वाली, तो ये खाली हो गई थी तो इसमें मैंने छेद कर लिए हैं। हाँ जी मैंने छेद कर लिए हैं और ये 3 छेद किए हैं। अब मैं इस पर ये जो होती है ना ये फेविक्विक ये लगा रही हूँ। आपके पास जो सबसे बढ़िया वाला गोंद हो आप वो लगाइएगा। अब मैंने मिक्सी उठा ली है, अब मिक्सी के साथ में इसमें जो है ना ज्वाइंट करूँगी इस डिब्बी को क्रीम की। खाली थी, बेकार थी, फेंकने वाली थी, लेकिन देखिए जब हम इसका तार लपेटते हैं तो इसका जो वो होता है ना प्लग मिक्सी का, ये इस तरीके से लटका रहता है और इसमें जंग लग जाता है, मतलब कि बेकार हो जाता है। तो आप इसे प्रोटेक्ट कर सकते हो इस डिब्बी के द्वारा। जी हाँ मैंने ये प्रोटेक्टर बनाया एक तरीके से मिक्सी के जो स्विच है ना उसके लिए, इसे हमें डिब्बी को इसके ऊपर लगाना है इस तरीके से। देखिए मिक्स यहाँ पर पहले आप इसके वायर को नाप लीजिए कि जहाँ पर ये वायर ख़त्म होता है ना वहीं पर आप इस डिब्बी को चिपका दीजिए। और ध्यान रखना है कि बहुत अच्छे वाले गोंद से आपको डिब्बी चिपकानी है ताकि ये उतरे ना आराम से। ये देखिए अब ये चिपक गई और इसे मैंने सुखा लिया है। और इसके बाद मैं अब इसमें आपको लगा के दिखाती हूँ इस वायर को। जी हाँ
अभी तार ना इधर उधर फैलेगा नहीं, जब भी हम तार इस मिक्सी के ऊपर लपेट कर रखेंगे आराम से, ये देखिएगा इस तरीके से आपने नाप लेना है पहले के जहाँ पर ये डिब्बी की लंबाई बैठती है, दूरी बैठती है, वहीं पर आपको ये लगा देनी है। ये देखिए आराम से इसमें जो स्विच है ना इसका, ये आराम से लग जाएगा, जो इसका मिक्सी का स्विच है आराम से इसमें लग जाता है, ये देखिए है ना, तो आराम से प्रोटेक्ट हो जाएगा इसमें जो ना जंग वगैरह नहीं लगेगा, और ये इधर उधर लटका भी नहीं रहेगा, फैला भी नहीं पड़ा रहेगा। तो इसमें से बस आप आराम से इसे लगा के रख दीजिए। ये क्रीम की डिब्बी थी जिससे मैंने इसका एक अच्छा सा प्रोटेक्टर बना दिया है फ्रेंड। आशा करती हूँ आपको मेरा एक छोटा सा टिप्स अच्छा लगा होगा। बाकी जो मिक्सी की डिब्बी होती है ना वो भी आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर बड़ी बड़ी डिब्बी आती है ना वैसलीन की और गुलाब जल की, तो वो भी आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ नई वीडियो साथ, टाटा बाय बाय।